दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय में स्थित दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड नियमित विभाग एवं आईक्यूएससी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ तथा दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल के शिक्षकों के लिए एक सप्ताह का प्रशिक्षण सह परामर्शी सेवा कार्यक्रम के आज समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दूर शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता मौजूद थे। इसके अलावा विद्यालय के चेयरमैन प्रोफेसर लाल मोहन झा, विद्यालय प्रबंध विशाल गौरव, विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे, जो इस प्रशिक्षण में भाग लिए। सभी प्रशिक्षित शिक्षकों को एक प्रमाण पत्र भी दिया गया। आपके साथ ये सामाजिक रूप से फिर से मिलने का मौका मिला, भौतिक रूप से मैं फिर से बदला, जिन पर मुझे मौका दिया कि मैं कभी बन जाऊं, ये टीचर क्या सोचता है, उन्होंने ये लगता है वो करता है, पता नहीं आपको लगाया नहीं, लेकिन लगा कि वो पीले गुलाबों की सुगंध, तुम्हारी मुस्कान मन मन, मुझे पसंद। हर विद्यार्थी चाहता है मुस्काते रहे और उस मुस्कान का खुशबू विद्यार्थी खोजता रहे कि मेरे सर आज इतने मुस्कुराते हुए क्यों हैं, इतने खुश क्यों हैं, मैं भी खुश हो लेता हूँ। फिर मैं आज बदला कि मुझे लगा कि इस उम्र में भी 75 के करीब मैं होने जा रहा हूँ और मैं 3 घंटे तक नीचे बैठ करके उनके साथ योगाभ्यास करता रहा और डांस भी मैंने किया, मुझे खाने का भी कुछ नहीं था, तो मैं तो हर दिन का दर्शा गया हूँ। और उसके लिए आपने जो लाइफ दिया जी अशोक जी, आपने जो मौका दिया, हम इसका कितना आपको शुक्रिया करें शायद शब्दों में हमें व्यवहार नहीं कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि हमारे हर शिक्षक बदले, हर शिक्षक में वो एक प्रकाश जैसा विशाल कह रहे थे, वो एक प्रकाश को कहीं ना कहीं से जन्म दे चुका है, जो एक चेन रिएक्शन करेगा। एटम बम बनाते हैं तो क्या होगा, इसको होता है चेन रिएक्शन, एक एटम टूटता है, एनर्जी से दूसरा आइटम टूटता है, उसकी एनर्जी निकलती है, फिर उससे दूसरा चौथा पांचवा और लाखों करोड़ों की संख्या में आइटम ब्रेक करता है, वो एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो ये आपने एक चेन रिएक्शन आज स्टार्ट कर दिया। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू जी। नमस्ते, मेरा नाम दिव्या चौधरी हुआ और मैं दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोर में कार्यरत हूँ। मैं हिंदी की शिक्षिका हूँ। हमारे विद्यालय से टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है, जो हमारे लिए बहुत ही लाभान्वित है। यह कार्यक्रम ललित नारायण विश्वविद्यालय यहाँ बीएड कॉलेज में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। विभिन्न प्रशिक्षकों के द्वारा हमें कई तरह की बातें सिखाएंगे। हमें बताया गया कि किस तरह से बच्चों के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव करके हमें उन्हें पढ़ाना है, सिखाना है। पाठ्यक्रम के साथ साथ उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास किस तरह कर सकते हैं, विभिन्न गतिविधियों को किस तरह हमें अपनाना है, मनोरंजन किस तरह कराना है, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई। साथ ही साथ हमें यह भी बताया गया कि बच्चों के विकास के लिए सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं, उनके विभिन्न बातों पर गौर करना चाहिए, जैसे उनके शारीरिक विकास पर, उनके मानसिक विकास पर, थोड़े मनोरंजन पर, और साथ ही साथ कक्षा को किस तरह से आयोजित किया जाए। कक्षा में जाने के बाद एक शिक्षक और बच्चों के बीच का तालमेल काफ़ी सहज होना चाहिए। साथ ही साथ क्लास में, कक्षा में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक हों और बहुत सारी चीज़ों को सीख सकें, इस चीज़ों को कैसे किया जाए, या जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उन्हें किस तरह से इन गतिविधियों में जोड़ा जाए, ये सारी बातें हमें बताई। तो स्कूल के द्वारा जो ये कदम उठाए गए हैं, क्या वो सराहनीय हैं, अच्छे हैं? जी बिल्कुल, मेरा मानना है या हमारे साथ जितने भी शिक्षक हैं, इसका हमें लाभ होगा, हर शिक्षक इससे लाभान्वित होंगे, और मेरे विचार से हर विद्यालय को ऐसे कदम उठाने चाहिए जो उनके लिए काफ़ी सहायक है। थैंक यू। नमस्ते सबों को। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, मेरा नाम नवीन कुमार, दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली ब्रांच, और ये हम लोग जो कर रहे हैं, हमारे स्कूल के द्वारा हर एक साल लगभग आयोजित करवाया जाता है
और निश्चित रूप में हम लोग बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इस बार हम लोगों को जो है सो यहाँ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के रेगुलर बीएड का प्रोग्राम जो चलता है इनके अंडर में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखवाया गया है और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मेरे सीखने से सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये हम लोगों की सौभाग्य है कि हम लोग दरभंगा पब्लिक स्कूल में हैं और ये हर एक साल कार्यक्रम चलता है। अगर मैं अपने आप को मेज़र करता हूँ आज से 8 साल पहले मैं क्या था और आज क्या हूँ, तो ये निश्चित रूपेण जो साल दर साल जो हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है वो हम लोगों का पर्सनैलिटी डेवलप करता है और निश्चित रूपेण वो बच्चे को फायदा जाता है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि जो बात होती है कि महिलाओं से उग्र ज़्यादा पुरुष होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उग्रता महिला पुरुष सबों में होती है और जो हम लोगों को सिखाया जाता है कि आजकल तो ऐसा हो गया है सर स्थिति कि आप बच्चे को ना डांट सकते हो ना मार सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ हम लोगों को बीएड के टीचर जो हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं उन्होंने सिखाया है कि आप अपने आप को कंट्रोल में रख करके कैसे बच्चे अगर कुछ इस तरह का करते हैं तो आप उसको किस तरह केयर कर सकते हो, उसको किस तरह हैंडल कर सकते हो। तो वहाँ पे हम लोगों ने अपने आप को बहुत हद तक कंट्रोल में रखना सीख लिया है और ये निश्चित रूप से स्कूल की देन है और जो हमारे टीचर लोग हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं उन लोगों का देन है। बहुत बहुत धन्यवाद है इन सबों को। 15 मार्च 2021 को हमारे सभी शिक्षकों का जो दरभंगा पब्लिक स्कूल दिल्ली मोड़ और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल रामबाग, उनके सभी शिक्षकों का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो शुरू हुआ था और आज 20 मार्च को आज जस्ट अभी करीब करीब 4:30 बजे शाम को इसका समापन हुआ है। और ये 6 दिनों की श्रृंखला थी, 6 दिनों में लगभग 6 से 7 घंटे की हर दिन ट्रेनिंग थी, तो कुल मिलाकर लगभग 40 से 42 घंटे का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था। इसमें हमने बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज को कवर किया, बहुत सारे अलग अलग सेशंस थे अलग अलग टीचर्स के द्वारा। मैं कुछ उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, जैसे कि नई शिक्षा नीति के ऊपर एक सेशन था, जैसे कि जो ऑनलाइन करिकुलम होता है उसके ऊपर एक सेशन था, जैसे ड्रामेटिक्स इन एजुकेशन कि नाट्य शास्त्र का भी क्या कुछ उपयोग कर सकते हैं टीचर अपनी कक्षाओं में, उसके ऊपर एक सेशन था। हैप्पीनेस इन क्लासेस जो दिल्ली सरकार का एक बहुत ही आजकल पॉपुलर जो एक क्लास का एक प्रारूप हुआ है दिल्ली में, जिसको हम लोगों ने एक सेशन में समझा। और इस तरह से बहुत ही जो नए एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं एजुकेशन स्कूल खासतौर पे स्कूल एजुकेशन में उनके ऊपर सेशंस था, या पुराने भी जो चीज़ें जो कि हर दशक में या हर पीढ़ी में या हर समय में रंग बदल बदल कर एक चुनौती की तरह सामने आती है, जैसे कि डिसिप्लिन की समस्या है। ये कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन हर एक कह सकते हैं कि हर एक युग में एक नए रूप में ये हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। उसके ऊपर भी कुछ सेशंस थे, बहुत ही कामयाब और बहुत ही अच्छा सेशन था। कई लोगों को इससे फ़ायदा आगे भविष्य में होने की उम्मीद हमें पूरी है। अभी तो जैसे टीचर्स ने जो सीखा है, जो पिछले साल की ट्रेनिंग्स थी उनका फ़ायदा निश्चित रूप से पिछले सालों में हुआ है छात्रों को। बहुत मुश्किल है कि ये एग्जैक्टली किसको मैं ट्रांसलेट करके आंकड़े के तौर पर बता सकूँ कि इस पूरे ट्रेनिंग का कितना एग्जैक्ट परसेंटेज में फ़ायदा हुआ है, इस तरह की कोई बात, लेकिन जो एक ऑब्जर्वेशन से सामने चीज़ें आती हैं वो साफ साफ तौर पे हमें दिखता है कि जो भी लोग सीखते हैं इस ट्रेनिंग में वो उनको एक नया डायमेंशन देता है, एक नई नया नज़रिया देता है और उसका निश्चित रूप से हमारे छात्रों को जो फ़ायदा है वो पहुँचता है। जैसा कि दरभंगा पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि CBSE पाठ्यक्रम के तहत इस तरह के कार्यक्रम प्रत्येक पब्लिक स्कूल के लिए अनिवार्य है और यह खुशी की बात है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा संचालित जो बीएड रेगुलर है जो डिस्टेंस के अधीन चल रहा है उसको यह दायित्व मिला और यह परस्पर विश्वविद्यालय का जो एक एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है, नेट में भी इसकी आवश्यकता होती है कि विश्वविद्यालय का दायित्व केवल आप कॉलेज या PG डिपार्टमेंट में ही छात्रों को न पढ़ाएं बल्कि आप बाहर के भी शिक्षक हों छात्र हों उन्हें अपने ज्ञान का लाभ दें, तो यह एक्सटेंशन प्रोग्राम कहा जाएगा और बहुत ही जैसा कि आप कस्टम कर रहे हैं कि शिक्षकों ने इसे सकारात्मक रूप से लिया है, यह विश्वविद्यालय के लिए भी और जो संस्था इसमें सम्मिलित हुई उनके लिए भी गौरव का बात। सर अशोक कुमार,
बात